हेलो स्टूडेंट, हमारे YRE क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूँ सेवा सर। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा कक्षा 10 का विज्ञान। विज्ञान का पहले चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, इसके बारे में आपको डिटेल से जानकारी देंगे। हेडिंग यहाँ पे है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, किसे कहते हैं, बहुत ही सरल भाषा में आपको मैं समझाऊँगा। यहाँ पे लिख भी दिए हैं, रासायनिक समीकरण वह क्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या अभिकारकों को मिलाने से एक नया उत्पाद बनता है जिसे यौगिक कहते हैं। इस क्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण वह क्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या अभिकारकों को मिलाने से एक नया उत्पाद बनता है जिसे यौगिक कहते हैं। अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए ये क्वेश्चन, तो आपको ऐसे ही लिखना है जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख के बताया हूँ। अब आपको जैसे में लिख देना है, जैसे में यहाँ पे है सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट का सूत्र होता है Na(NO3) सोडियम नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाने पर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl को मिलाने पर NaCl, NaCl का मतलब सोडियम क्लोराइड एवं नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3, नाइट्रिक अम्ल बनता है। फिर उसके बाद एक एग्जांपल और आपको दे दिए हैं, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट की क्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराई जाती है सोडियम क्लोराइड और नाइट्रिक अम्ल बनता है। यहाँ पे भी एक एग्जांपल आपको दिया गया है, कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराई जाती है, तो यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड एवं हाइड्रोजन नाइट्रेट मतलब नाइट्रिक अम्ल बनता है। तो यहाँ पे लिख भी दिए गए जैसे NaNO3 क्या है, सोडियम नाइट्रेट है। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड है। HNO3 क्या है, नाइट्रिक अम्ल है। इसी प्रकार यहाँ भी लिख दिए हैं HCaNO3 क्या है, कैल्शियम नाइट्रेट है। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। CaCl2 क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है। HNO3 क्या है, नाइट्रिक अम्ल है। ये बहुत ही सिंपल है, इसको आसान करना बहुत याद करना बहुत ईजी है, लेकिन थोड़ा सा आपको समझ लेना होगा। एक बार फिर से आपको बताते हैं कि दो या दो, यहाँ पर लिखा गया है रासायनिक समीकरण वह क्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या अभिकार है। दो या दो से अधिक तत्व का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे तत्व की बात करें, जैसे 30 बहुत सारे तत्व होते हैं लेकिन हम लोग कुछ तत्वों को याद कर पाते हैं। तो जो हम लोग का तत्व याद है, जो हम लोग पिछली कक्षा में याद किए हैं, अगर आपका कोई भी तत्व नहीं याद है तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगा तत्व कैसे याद करना है और उनका याद करने का तरीका क्या है। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब तत्व होते हैं। इसी प्रकार यहाँ भी देखिए तत्व है, सोडियम एक तत्व है, हाइड्रोजन एक तत्व है, क्लोरीन एक तत्व है। तो दो या दो से अधिक तत्व मतलब दो या दो से अधिक तत्व मिले हुए हों, या इन्हीं दोनों तत्वों को अभिकारक भी कहा जाता है। जब ये दोनों तत्व आपस में मिल करके एक नया चीज़ का निर्माण करते हैं, उसे उत्पाद कहा जाता है। कहने का मतलब ये दोनों NaNO3+HCl ये हुए अभिकारक, NaCl+HNO3 ये हुए उत्पाद। ये क्या है, ये दोनों अभिकारक हैं और ये दोनों उत्पाद हैं। तो इसको और सरल भाषा में समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी एक तत्व है, यहाँ आपको समझा रहे हैं, जैसे मान लो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक तत्व है, H2 हाइड्रोजन एक तत्व है, और ये हाइड्रोजन क्रिया कर ली ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे बना दिया जल। देखिए ये दोनों तत्व आपस में क्रिया करके एक नया उत्पाद बना रहे हैं, ये जो नया उत्पाद बना रहे हैं यही है रासायनिक समीकरण। तो अब यहाँ पे जल बन कैसे रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे Na है, कहने मतलब सोडियम है, और यहाँ पे Cl है मतलब Cl2 है। Na क्रिया करेगा Cl2 के साथ, क्या बनाएगा, बनाएगा NaCl। जैसे यहाँ पे Mg है, Mg क्रिया करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाएगा, यहाँ बनाएगा MgO।